वैस, जब हमने स्कूल से पास आउट किया, फिर जब इंजीनियरिंग से हमने पास आउट किया एंड उसी तरह जब हम यूनिवर्सिटी में आए तो हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी। और कभी कभी ऐसा होता था कि वो किताब जो हम स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़े होते थे तो हमें अपने प्रोफेसर की समझ नहीं आ रही होती थी, तो हमारे वालदैन ने हमको होम ट्यूशन भी लगवा ली ताकि जो चेंज ऑफ यू नो टीचर से शायद जो अलूम हमें समझाने की कोशिश की जा रही है इस दुनिया में टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन, वो हमें हेल्प कर सके। तो मेरा सवाल ये है वैसे आपसे कि जो अल्लाह की किताब है जो कि हमारे लिए गाइड है, क्या अल्लाह की किताब को समझने के लिए भी हमें किसी स्कॉलर की, किसी बंदे की ज़रूरत है या किसी और बुक को रेफ़र करने की ज़रूरत है, या फिर अल्लाह की किताब को समझने के लिए अल्लाह की किताब ही पढ़ी जाए? तो वैसे इस पे ज़रा आप काइंडली हमें बता दीजिए। अच्छा उमर, असल में आजकल बहुत बड़ा एक फितना टाइप की चीज़ फैल रही है जो मुझे तो बहुत ज़्यादा कंसर्न करती है कि सो कॉल्ड बड़े बड़े स्कॉलर जो हैं ना, वो कहते हुए आपको नज़र आएंगे कि जी अगर कोई हदीस कुरान के ऊपर पूरी उतरती है तो हम उसे लेंगे, और अगर कुरान की जो आयात हैं उनके ऊपर कोई हदीस हमें पूरी उतरती हुई नज़र नहीं आती तो हम उस हदीस को ही रिजेक्ट कर देंगे, कह देंगे हदीस ही नहीं है। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप कुरान को क्यों मानते हैं, कुरान को सच्चा क्यों मानते हैं? क्योंकि अल्लाह की किताब है। अल्लाह की किताब तो है, लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये अल्लाह की किताब है और सच्ची है? बिकॉज दिस बुक हैज़ बीन रिवील्ड टू अस बाय आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राइट। आप कुरान को इसलिए कुरान मानते हैं, अल्लाह की किताब मांगते हैं, क्योंकि ये नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह की किताब है। हमारे पास डायरेक्ट कोई सोर्स तो नहीं था कुरान हमारे तक आने का, ये कुरान अल्लाह ताला ने नबी मुकर्रम खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही फरमाई, फिर हम तक पहुँची। लिहाजा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के लोग थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन जानते थे, और फिर अल्लाह ताला ने उनके सीने हक के लिए खोल दिए और उन्होंने पहचान लिया कि यही सच्चे अल्लाह के नबी हैं। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और कुरान में जैसे अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं कहते हैं, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल भी और फेल भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक एक गोशा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठना बैठना, हंसी मजाक हर चीज़, वो ऐसे ही है, ऐसे ही इम्पॉर्टेंट है कि जैसे अल्लाह ताला की तरफ से भेजी हुई कोई भी बात इम्पॉर्टेंट है। लिहाजा सिर्फ कुरान को आउट ऑफ वर्ड्स लेकर आप कुरान को नहीं समझ सकते, आप कुरान को वैसे ही समझेंगे जैसे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया है, और कुरान को वैसे ही लेंगे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाया है। जब भी कुरान की कोई आयत उतरी तो उसका एक कॉन्टेक्स्ट था, उसका कोई किसी किसी सिनेरियो में अल्लाह ताला ने वो आयत उतारी, तो आप समझने की कोशिश करेंगे कि उस दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आयत का क्या मफहूम लिया और सहाबा को क्या समझाया, फिर सहाबा ने उस आयत को अपने दौर में कैसे इंप्लीमेंट किया, कैसे समझा और कैसे समझाया, और फिर ये एक पूरा नॉलेज बन गया है कि अगर आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किसी, जैसे एक जिग्सॉ पजल होता है उसका एक आप सिंगल पीस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रख दें तो आप किसी से पूछें ये क्या है, तो वो कहेगा इट्स अ ब्लू एंड रेड कलर, बट इफ यू पुट दैट जिग्सॉ पीस इन इन टू द होल जिग्सॉ पजल देन ही वुड से के इट्स अ पार्ट ऑफ अ सीनरी, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। इसी तरह अगर आप कुरान पाक की किसी आयत को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लेंगे और उसका कोई भी मतलब निकाल लेंगे तो वो फिर इंसान के गुमराह होने का बहुत ज़्यादा चांस है। युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, अल्लाह ताला ने कुरान में खुद कहा है कि इस कुरान से अल्लाह ताला बुतों को हदायत भी देता है और बुतों को गुमराह भी करता है, वो मा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन, लेकिन गुमराह अल्लाह ताला किसी को नहीं करता सवाए इसके के जो फासिक हों, झूठे हों, जिनके दिल में कजी कोताही हो, जो हक को तलाश ना करना चाहें, जिनके दिल में खोट हो। तो लिहाजा ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कुरान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल ना लिया जाए और हदीस के मुताबिक कुरान को समझा जाए, ना कि हदीस को कुरान के ऊपर परखा जाए।
असमा और रिजाल हमारे पास एक बहुत बड़ा नॉलेज है और एग्रीड अपॉन नॉलेज है। तमाम स्कूल्स ऑफ थॉट जो है वो अहादीस जो सिहाए सित्ता हैं, छः अहादीस की सही बुक्स हैं, उसके ऊपर एग्री करते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें पता चलता है कि आप सल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत कभी भी हक के अलावा किसी चीज़ के ऊपर जमा नहीं हो सकती। यानी इजमाए उम्मत जो है इन इट्सेल्फ एक अथेंटिक सोर्स है कि अगर किसी चीज़ के ऊपर उम्मत के मुख्तलिफ जो अकाबरीन हैं, अहले इल्म लोग हैं, मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, वो एग्री करते हैं, तो इन इट्सेल्फ दैट थिंग इज़ ऑथेंटिक। सो ये अहादीस जो हैं, इनका पूरा मजमुआ जो है, ये इन इट्सेल्फ ऑथेंटिक हैं। हम इनके थ्रू कुरान को समझते हैं और कुरान की तफसीर वैसे लेते हैं कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाई, जैसे सहाबा ने ली, नॉट द अदर वे राउंड। ये जो अदर वे राउंड है ना कि कुरान के मुताबिक अगर कोई हदीस, तो आपको कुरान किसने समझाया है, आपको कुरान का मतलब किसने समझाया है? सहाबा ने ही तो समझाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही तो समझाया। हम हदीस के मुताबिक कुरान को समझते हैं, नॉट द अदर वे राउंड। अगर आप अदर वे राउंड जाएंगे और कुरान का कोई अपना मतलब लेके, उसका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके, उसको अपनी मीनिंग से समझ के फिर नऊज़ुबिल्लाह हदीस को रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं ये हदीस मेरी समझ में इस आयत के मुताबिक नहीं है, तो ये हदीस ही सही नहीं है। नो, आई डोंट वॉन्ट टू टेक द नेम्स, बट सम पीपल अराउंड द इंटरनेट वेरी वायरल एंड वेरी फेमस आर एक्चुअली डूइंग दैट। दे आर रिजेक्टिंग हदीस बिकॉज दे थिंक इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू कुरान, ऑल्दो दे आर, ऑल्दो कोई हदीस आउट ऑफ कुरान से कॉन्ट्रेडिक्ट कर ही नहीं सकती। अगर उनकी समझ में नहीं आ रही तो दे हैव स्टार्टेड रिजेक्टिंग हदीस, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये इनकार हदीस का एक फितना है, ये और ये नऊज़ुबिल्लाह कुफर की तरफ लेके जा सकती है। पहले के दौर में इनकार हदीस एज अ फितना आया था कि हदीस की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए अल्लाह का कुरान काफ़ी है। आज के दौर में वो एक लिबादा ओढ़ के आ रहा है, मुलम्मा ओढ़ के आ रहा है, एक नाइस प्रेजेंटेशन में आ रहा है कि नहीं नहीं हम हदीस को ना कुरान के मुताबिक लेंगे। नो, हम कुरान को हदीस के मुताबिक समझेंगे, नॉट द अदर वे अराउंड, क्योंकि कुरान को समझने का और कोई ज़रिया ही नहीं है सवाए हदीस के और सहाबा के अकवाल के और जो नॉलेज हम तक पहुँचाए ताबीन तबा ताबीन और जो एग्रीड अपॉन स्कॉलर्स हैं, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम हम्बल, इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी, जो एग्रीड अपॉन हैं उनके थ्रू हम तक ये नॉलेज पहुँचा है और उसके मुताबिक ही हम लेंगे। अगर आप इससे जाएंगे, मौज है दरिया में, बैरून है दरिया कुछ नहीं, तो अगर आप इससे बाहर जाएंगे तो वो आप एक इज्तमाईयत से बाहर हो जाएंगे, जहाँ पे इज्तमाईयत से बाहर गुमराही के सिवा कुछ भी नहीं है।